क्लास को स्टार्ट करके बताओ जरा। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन कर लिया था बेसिसिटी वाला, तो तुम मुझे क्या बता सकते हो व्हाई सीरियम OH3 इज मोर मोर बेसिक। दिख रहा है कि मोटा करूं थोड़ा सा, इज बेसिक सही है मैम, इज बेसिक देन ल्यूटिनम OH3। पहले तो बताओ दोनों में बेसिक सीरियम होगा या ये ल्यूटिनम होगा, कौन सा ज्यादा बेसिक होगा? अब क्वेश्चन में ही लिखा है कि सीरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट साइज इज डिक्रीजेस, एज वी नो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल साइज ऑफ द एटम इज डिक्रीजेस। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही डिक्रीज हो रहा है, क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन है ना भाई दीपिका, ये बात हो गई थी। अब बताया जैसे जैसे साइज जो है किसी चीज का छोटा होगा भाई, यहाँ से ये जो इसकी बेसिसिटी है बच्चे वो क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, साइज डिक्रीज किया तो बेसिसिटी भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है ना, साइज डिक्रीज ड्यू टू साइज डिक्रीज, आप इसका आंसर लिखोगे ड्यू टू साइज डिक्रीज बेसिसिटी ऑल्सो डिक्रीज, बेसिसिटी डिक्रीज। ठीक है, बस इतना ही इसका आंसर था। ये बताओ मुझे कि इसमें लेंथेनाइड जो होते हैं वो सबसे ज्यादा जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वो कौन सी होती है? प्लस थ्री जो है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या आप मुझे ये याद बता सकते हो? ये याद है लता से पार नहीं होती नदी, प्रेमा समझ गई यू गॉड तब हो गया और तुम जब लुट गए। ठीक है, तो ये आपकी जो ट्रिक थी, लुट गए, सॉरी LU। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है भाई क्या कर नहीं थी हमने, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या याद है भाई? ये तो 3D, ये तो आपका 1 में है, 5D 1 में है, 3D लिख रही हूँ बार-बार, 5D 1, 6S 2 है। सीरियम जो होता है उसमें कौन सा एलिमेंट कहाँ पर जाता है भाई? 4F1, 5D 1, 6S 2। ठीक है ना, 4F1 के अंदर जाता है, उसके बाद जो है आपका क्या आ जाता है, डी में देना ये बंद करता है। सीरियम के बाद ये कहाँ पर आ जाते हैं सारे के सारे? 4F3, 6S 6S2, 0, और ये 5D जो है वो 0 है बीच में, उसको लगाना है। ठीक है, 0 है उसे लिखना है, 5D 0, 4F4, उसके बाद 6S2, 6S2। ठीक है, अब रहने दो, 4F4, उसके बाद क्या है आपका? 4F5, 6S2, 4F, दूसरे पेंसिल, 6, 4F6, 6S2, 4F7, 6S2, उसके बाद बताओ जरा, गैडोलिनियम एक एक्सेप्शन था, 4F7, 6S2, 5D1 भी होता है, बाकी सब हो जाएंगे। ये इसका बताओ क्या बोलते हैं, ये ट्रिबियम का, ये ट्रिबियम के लिए क्या था भाई? 4F14, और उसके बाद ये 4F14, 6 आपका, उसके बाद 5D1, 6S2। ठीक है, अब भाई जैसे हमने किया था याद है तुम्हें, स्कैडियम टाइटेनियम में तो सिर्फ हाफ फील्ड वाली जगह पे ही जो है था एक्सेप्शन आ रहा था, लेकिन जब हमने नीचे वाली जो सीरीज थी यारी जरा निभा वाले में, यारी जरा याद है इसकी कॉन्फ़िगरेशन में, निभा में भी वो था एक्सेप्शन था ऐसे, यारी जरा निभा मौत तक रू रह सब, इन सब में एक्सेप्शन था, याद है? किसी को भूल गए भाई? ठीक है, तो ऐसे ही जब आपके पास एक्टिनाइड सीरीज है ना, वहां पर भाई एक्सेप्शन बहुत सारे हैं। एक्टिनाइड सीरीज के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, वो पढ़ेंगे हम कि एक्टिनाइड्स जो है इनके नाम क्या क्या है। ये पहले जरा एक्टिनाइड कहाँ से कहाँ तक होते हैं आपके, थोरियम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एक्टिनाइड, याद रखना, 90 से लेके आपके आगे जितने भी 103 तक जो भी आपके एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, यहाँ तक 103 तक वो हैं मेरे एक्टिनॉइड्स। और एक बात याद रखना, थोरियम और ये प्रोटेक्टियम, इसके बाद ये क्या है, यूरेनियम। यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं इनका एक और नाम होता है, क्या बोलते हैं इसे, ट्रांस यूरेनियम। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ट्रांस यूरेनियम आर एलिमेंट्स फ्रॉम विच ग्रुप, कौन से वाले से हैं ये, तो आपको याद रखना है एक्टिनॉइड के हैं ये, डी ब्लॉक के हैं, लेंथेनॉइड्स के हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो इनको यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स आर व्हाट,
तो याद रखना है एटॉमिक नंबर अबव द 92 और अबव द 92 आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट. क्लियर है अंजलि मीनू? ठीक है. अब जरा लेंथ एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई इसकी क्या रहेगी आपकी, वही जो भी मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट पूछ ली जाती है. F1 से लेके 14 तक N-1 क्या है ये आपका डी वाला जो कि सिर्फ 0 और 1 रहेगा और NS2. ठीक है ये इलेक्ट्रॉनिक उसके लिए भी है, एक्टिनॉइड्स के लिए भी, लैंथेनॉइड्स के लिए भी यही थी. अगेन फिर से मुझे बताओ एक्टिनॉइड से हम नीचे जा रहे हैं लॉरेंसियम तक तो हमारी जो साइज है वो क्या हो रहा है यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है. पर ये जो कॉन्ट्रैक्शन है साइज का ये लेंथेनाइड से ज्यादा होता है. कोई मुझे बताएगा क्यों लेंथेन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एक्टिनॉइड में ज्यादा होता है लेंथेनाइड से? मैम क्योंकि एफ ब्लॉक की पुअर शील्डिंग होती है. तो लेंथेनाइड में भी है एफ ब्लॉक की पुअर शील्डिंग, तो एक्टिनॉइड में ज्यादा क्यों है? है भाई आफ्ता क्योंकि भाई यहाँ पे आपका 4F है और यहाँ पे 5F है. जितना ज्यादा मतलब ऑर्बिटल का प्रिंसिपल नंबर जितना ज्यादा उतनी ज्यादा उसमें डिफ्यूज शेप. एक्टिनॉइड के जो F ऑर्बिटल होते हैं नहीं बिल्कुल नहीं सिमिलर साइज नहीं है. क्या मतलब रेडियस सिमिलर? नहीं रेडियस सिमिलर नहीं है. ये नहीं कह रही मैं रेडियस सिमिलर है, मैं पूछ रही हूँ यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन जो है वो ज्यादा क्यों होता है एक्टिनॉइड में. आपको याद रखना है कि F5F इज एक्टिनॉइड जो है उसमें डिफ्यूज शेप ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू 4F. बात समझ में क्या बोला? 5F की डिफ्यूज शेप ज्यादा होती है. ठीक है हाँ वो ज्यादा पुअर शील्डिंग करता है एज कम्पेयर टू 4F. ठीक है तो इसलिए वहां पे कॉन्ट्रेक्शन साइज का वाई रेडियाई कॉन्ट्रेक्शन इज मोर फॉर एक्टिनॉइड देन लेंथेनॉइड. ठीक है ना. 5F ऑर्बिटल इज मोर डिफ्यूज देन 4F ऑर्बिटल ड्यू टू दिस 5F हैज लेस शील्डिंग इफेक्ट क्योंकि वहां पे उसकी शेप जो है वो ज्यादा डिफ्यूज मतलब कि वो कवर नहीं कर रहा है. ठीक है इन क्वेश्चंस को करने से पहले भाई ये तो क्वेश्चन आंसर्स आ गए. चलो भाई इसमें एक पार्ट जो है वो मिस हो गया, मैं करवा ही देती हूँ. आपके पास जो लेंथेनॉइड्स है लेंथेनाइड्स उनकी हमें रिएक्शंस जो है वो कभी कभी किसी किसी में आ जाती है. लेंथेनॉइड्स अगर भाई मैं इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पता है इसकी रिएक्शन जो है सारी की सारी वो किसकी तरह होगी? ग्रुप 13 एलिमेंट देखा है हमने, ग्रुप 13 कौन से वाले होते हैं? एल्यूमिनियम. उनकी ऑक्सीडेशन एल्यूमिनियम की ज्यादातर +3 रहती है ना. ठीक है ना तो लेंथेनॉइड ऐसी एल्यूमिनियम जो है +3 होता है तो क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? Al2O3. ऐसी लेंथेनम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? Al2O3. क्लियर है. ऐसी अगर मेरे पास इसकी रिएक्शन एसिड के साथ होगी तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे? हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी लेंथेनॉइड से, मतलब लेंथेनॉइड के साथ जो है आपकी एसिड की रिएक्शन होगी तो कौन सी गैस निकलेगी आपकी? हाइड्रोजन. याद है ना एल्यूमिनियम को अगर मैं रिएक्शन करवाती हूँ एसिड के साथ HCl के साथ तो H2 निकलता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाता है. ठीक है ना ऐसे ही लेंथेनम के साथ भी होगी, सारी रिएक्शन जो है उसी के साथ आपकी मैच करेगी. सेम ऐसी मैं अगर इसकी विद H2O अगर मैं करवाऊँ तो क्या बनेगा? लेंथेनम हाइड्रोक्साइड. लेंथेनम से मतलब है सारे, सीरियम हो गया चाहे आपका, गडोलिनियम हो गया, यूरोपियम हो गया, मतलब सारे एलिमेंट्स. क्लियर हो रही बात? समझ में आ रही है? लेंथेनम मतलब क्या? लेंथेनम पूरी सीरीज, ये LN पूरी लेंथेनॉइड सीरीज को डिनोट कर रहा है कि अगर H2O के साथ रिएक्शन करवाओगे आप किसी की तो वो लेंथेनाइन ट्राई हाइड्रोक्साइड बनाएगा. समझ रहे हो? ये OH3 है. उसके बाद अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? कोई बताएगा भाई? एल्यूमिनियम का पता होगा तो नाइट्रोजन का भी बता दोगे क्या होगा? कोई भी? शिवम, अंजलि, नहीं? अरे एल्यूमिनियम नाइट्रोजन -3 होता है, एल्यूमिनियम +3 क्या बनता है? एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है. ऐसी लेंथेनम नाइट्राइड बन जाएगा. क्लियर है? ये +3 ये -3 क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं आया. नेक्स्ट अगर ये रिएक्शन करता है किसके साथ? ये वाली याद रख लो थोड़ा सा अलग है. C2 के साथ अगर रिएक्शन हो रही है इसकी, सॉरी C2 के साथ नहीं, कार्बन के साथ अगर रिएक्शन हो रही है तो मेरा यहाँ पे क्या बनेगा? LnC2. क्लियर है? ठीक है. लेंथेनम कार्बाइड, कार्बाइड बोलते हैं इसे.
एल्यूमिनियम के साथ बनती है, ऐसी एल्यूमिनियम कार्बाइड होता है, ऐसी लैंथेनाइम कार्बाइड पे। और कोई रह गया हेलोजन, हेलोजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा भाई, जल्दी बता दो फटाफट से, इसको तो बता ही सकते हो एल्यूमिनियम के साथ कंपेयर करके। AlBr3 AlX3 यस मैम, ठीक है। तो भाई ये सारे बातें जो लैंथेनम के बारे में याद रखनी है, और एक चीज अब जो पॉइंट्स लिखवा रही हूँ यूजेस इसके, वो याद रखना, क्योंकि वो कभी कभी एग्जाम में जो है ना डायरेक्ट मतलब इनसे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे से, क्या जो इसका लैंथेनाइड का जो यूज है वो कहाँ होता है, यूज इन अलॉय फॉर स्टील, अलॉय स्टील स्टील बनाने में इसका यूज होता है, फॉर प्लेट्स एंड पाइप, जहाँ पे प्लेट और पाइप बन रहे हैं वहां। सेकंड यूज है इसका, एक मैंने बताया था भाई अलॉय कौन सा है इसका, लैंथेनॉइड के एक अलॉय का नाम बताया है बस मैंने अभी तक, नाम याद है किसी को, बोलो भाई, कल करवाया था एक नाम मिस्च मेटल याद है, यस मैम कराया था, अ वेल नोन मिस्च मेटल। अब ये आपको याद रखना है, भूलना मत कि ये लैंथेनॉइड्स का अलॉय होता है, कंसिस्ट ऑफ, इसके पास क्या होता है यहाँ पे लैंथेनॉइड, जो लैंथेनॉइड मेटल होते हैं 95% जो होते हैं लैंथेनॉइड होते हैं। हाँ लैंथेनॉइड कौन सी सीरीज होती है बताओ भाई इसको, अरीबा को, अरीबा ही है ना, एंड ट्रेसेस ऑफ सल्फर कार्बन, ठीक है। लैंथेनॉइड कौन सी सीरीज होती है, कौन सी सीरीज होती है, मतलब लैंथेनॉइड ग्रुप 3 का एलिमेंट है आपका और 6th पीरियड से, ठीक है रीबा याद रखना, 6th पीरियड और 3rd ग्रुप, ग्रुप नंबर 3rd, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब आपके पास क्या कह रहा है, ये मिक्स ऑक्साइड ऑफ लैंथेनॉइड एम्प्लॉय इन, ये वाली लाइन जो, ये सारे जो यूजेस है ना ये याद रखो, क्योंकि ना ऐसे लैंथेनॉइड में वो 4 पॉइंट दे देता है, जैसे ऐसे ही पूछ लेगा ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स आर की सारे के सारे डायमैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं एक्सेप्ट लैंथेनम एंड ल्यूटिनम, है ना, एल एन एंड एल यू, और ऐसे एक पॉइंट दे दिया उसने, क्या बोलते हैं कि लैंथेनॉइड का जो मिक्स ऑक्साइड होते हैं, मिक्सड, एक मिनट मुझे पढ़ाने तो भी बताती हूँ, मिक्स ऑक्साइड ऑफ लैंथेनॉइड, मिक्स एंड के बाद क्या है, इसके बाद एंड 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 ट्रेस ऑफ सल्फर एंड कार्बन, ठीक है। मिक्स ऑक्साइड ऑफ लैंथेनॉइड्स आर एम्प्लॉयड एज कैस्ट एम्प्लॉयड, जो ऑक्साइड होते हैं ना इसके लैंथेनॉइड के, ये यूज होते हैं एम्प्लॉयड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। अब अगर जिसने तो ये लाइन पढ़ी होगी कि लैंथेनॉइड के मिक्स ऑक्साइड के कैटलिस्ट का यूज हम पेट्रोलियम क्रैकिंग में करते हैं, तो वो इस पे करेगा टिक, वरना कह देगा कि ये स्टेटमेंट तो भाई रॉन्ग है, बाकी सब ठीक है, क्लियर है। जैसे कि जेई के अंदर 4-5 स्टेटमेंट आ गई, तो आपको पता होना चाहिए कि मिक्स ऑक्साइड ऑफ लैंथेनॉइड क्या होते हैं, एज ए कैटलिस्ट पेट्रोलियम क्रैकिंग में यूज होते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट की तरह जो है काम करते हैं। और दूसरा क्या, ये इसके जो अलॉय होता है उसको क्या बोलते हैं, मिस्च मेटल बोलते हैं। ये 2-3 पॉइंट जो है इसके याद रखना। और इसका यूज कहाँ पर होता है, एक और यूज है इसका कि ये टेलीविजन स्क्रीनिंग में जो आपका फ्लोरेसिंग सरफेस वाली जो एरिया होता है ना, वहां पे भी इसका जो है यूज किया जाता है, ठीक है भाई, बोलो भाई समझ में आया। चलो भाई अब जरा आ जाते हैं एक्टिनॉइड्स पे, और कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए। एक बात मुझे बताओ, अगर मेरे पास स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अगर मुझे बोला जाए तो कौन से वाले का सबसे ज्यादा होगा, सब लैंथेनॉइड्स में विच लैंथेनॉइड हैज मैक्सिमम स्पिन वैल्यू, मैक्सिमम मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म, सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म किसमें होगा, कोई बताएगा, सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म किसमें होगा, जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यस मैम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है मेरे इसपे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा किसमें है मैम, ईयू,
गडोलियम में नहीं है? यस मैम, उसमें 8 है। ठीक है, पर लेकिन इसके भी आप 7 ही गिनोगे। 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा जो है आपके गडोलियम में होते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म है वो गडोलियम में है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, छोटी छोटी बातें। एक और चीज मुझे मतलब बतानी थी, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कौन शो करेगा? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कोई कोई होता है जो +4, अरे भाई ये रहा, कोई कोई होता है जो +4 करता है, कोई बताएगा? किसी को पता है भाई कि देख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के अगर पता चल रही हो कि इनमें से +4 जो है कौन कर सकता है? क्या मेरा ये सीरियम +4 नहीं कर सकता? सारे के सारे निकाल देगा, स्टेबल हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, सारे के सारे सीरियम जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल देगा और क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा आपका। और कोई मैम? DY। कौन सा? DY। DY में कैसे डाई? अच्छा, 7, 8, 9 बोलो भाई, DY हो सकता है क्या? PR भी हो सकता है मेरा? PR पैरामिशन, इसमें भाई कोई वो नहीं है, ट्रिक नहीं है इसमें, कोई वो नहीं है, कहीं से भी हो जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि क्या बोलते हैं समेरियम SM, ये जो है आपके क्या दिखाते हैं, ये जो सीरियम है ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है, तो आप याद रखना सीरियम 4+ इज गुड भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन होते हैं? हमने डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ लिया भाई, जो इजीली रिडक्शन हो जाते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा क्यों है? क्योंकि ये सीरियम से कौन सी अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में आना चाहेगा और इसका रिडक्शन हो सकता है। अगर जिसका रिडक्शन होगा तो वो क्या एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। याद रखना है कि सीरियम 4+ इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बस अब स्टार्ट करते हैं एक्टिनॉइड। बस इतनी बातें तुम्हें लैंथेनॉइड से याद रखनी है। एक्टिनॉइड्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसे लिखोगे, बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं भाई। बुक के अंदर है एक्टिनॉइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यस मैम। ट्रिक से याद करना है एक्टिनॉइड सीरीज की, छोड़ो मैम कभी काम तो आएगी नहीं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते डीएनएफ से, पर अगर याद रख लोगे तो तुम्हारे आगे के लिए कभी इन फ्यूचर तुमने केमिस्ट्री में कुछ किया या कहीं का आया केमिस्ट्री तो तुम्हें याद आ जाएगी। ऐसा भाई अगेन फिर बता रही हूँ, ये मैंने अपने मन से किया है, ना कोई लॉजिक है इसके पीछे ना कुछ। बिल्कुल दीपिका, तुम्हारा भला हो जाएगा। ना इसके पीछे कुछ लॉजिक है ना कुछ है, ये सिर्फ मैंने ऐसे ही अपने मन से एक दिन बैठे बैठे सोचा कि क्या से याद करूँ, बहुत लंबी चीज है करनी थी तो फिर ऐसे ही बना दिया। और तुम नहीं तो अपना गूगल वगैरह से कहीं से भी देख सकते हो। ठीक है, ऐसा थप्पड़ पड़ेगा, ऐसा थप्पड़ पड़ेगा यूं नेपाल पहुंचेगा। लिख लो, ऐसा थप्पड़ पड़ेगा, ऐसा थप्पड़ पड़ेगा, अब लिख लो भाई। किसी बच्चे ने मुझे बोला था कि मुझे वो सीरीज जो है वो उसमें आया था अनऑफिशियल ग्रुप में कि मैसेज दे दो सीरीज का जो भाई, अपने आप लिख लो, मैं नहीं बता सकती। हाँ बिल्कुल, नितिन पाठक ने एक और बात याद दिला दी भाई। हाँ नहीं नितिन, ये वाली बात हम कर चुके थे, लेकिन लैंथेनम वाली सीरीज में हम कर चुके हैं ना भाई, सारे के सारे जो हैं आपके रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव हैं, लेकिन बस सिर्फ क्या था, पीएम था ना, पीएम का नाम क्या है भाई, प्रोमीथियम करके जो है वो आपका सिर्फ ओनली जो है वो रेडियो एक्टिव है, बाकी सारे नॉन रेडियो एक्टिव है, ये बात हमने कर ली थी। ठीक है, जरा अभी एक्टिनॉइड सीरीज में आ जाओ। एक्टिनॉइड सीरीज में सारे एलिमेंट जो है आपके वो कैसे हैं, रेडियो एक्टिव। दीपिका कह रही है मुझे भी एक ट्रिक, दीपिका तो तुम अपनी वाली करना, ठीक है इस पे मत कर जाना। ठीक है, ये उनके लिए जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है। ऐसा थप्पड़ पड़ेगा यू नेपाल पहुंचेगा, ठीक है, अम्मा CM बके CF। कुछ ज्यादा ही फनी हो गया, हाँ लेकिन ऐसी ट्रिक है जब थोड़ा सा फनी होती है। मोनिका क्या क्या बोल रही है मोनिका, की वॉइस क्लियर नहीं है मैम, एक बार रिपीट कर दो। ओके, एएम से नहीं, सारा ही करती हूँ। ऐसा थप्पड़ पड़ेगा यू नेपाल पहुंचेगा, अम्मा CM बके CF।
अम्मा सी एम बके सी एफ। ठीक है लिख लो श्रुति पारुल। कोई बात नहीं भाई। अम्मा सी एम बके सी एफ। ठीक है इस एफ एम, इस एफ एम मोड को नो कर लो। इस एफ एम मोड को नो कर लो। कर लो में मतलब नो कर लो है एल आर। कर लो में एल आर करके कर दिया, उससे अब ऐसे तुम्हें याद रखना पड़ेगा कर लो का। कर लो एल आर कर लो ऐसे करके। ठीक है ऐसा थप्पड़ पड़ेगा यू नेपाल पहुंचेगा। अम्मा सी एम बके सी एफ, इस एफ एम मोड को नो कर लो। इस एफ एम मोड को नो कर लो। ठीक है अब हमें इस भाई कॉन्फ़िगरेशन हो गई हो तो अब हमें इनकी जरा क्या करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई ये तो मेरा किसका एलिमेंट है 6d1 7s2। ये एलिमेंट मेरे डी सीरीज के अंदर आता है। अच्छा क्वेश्चन कभी कभी इजी भी आ जाता है कि जो आपका एक्टिनॉइड सीरीज का पहला एलिमेंट है वो कौन सा है। तो एसी नहीं है, एक्टिनॉइड नहीं है, कौन सा है पहला एलिमेंट एक्टिनॉइड सीरीज का? थोरियम। ठीक है ये बात याद रखना। ऐसे ही लेंथेनॉइड का सीरियम है। ठीक है तो अब मेरे पास जो इसका ये थोरियम का एलिमेंट है, जो इसमें भी क्या होता है भाई, यहाँ पे जाना तो आपका एफ के अंदर चाहिए था पर ये नहीं जाता, 6d7s2 होता है। अब तुम कहोगे मैम अगर ये 6d7s2 होता है, 6d अगर 7s2 होता है तो भाई मैं इसको एफ ब्लॉक का एलिमेंट क्यों कह रही हूँ? तो डी के उसमें ही जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, है ना भाई? यस मैम। ठीक है लेकिन जो इसकी ऑक्सीडेशन होती है ना, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में थोरियम जो है, थोरियम की जो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी उसमें जो इसकी वो होती है वो 5f1 होती है। बात समझ में आई भाई? इसमें बहुत सारी एक्सेप्शन है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर याद रह जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो लेंथेनॉइड तक कर लेना। ठीक है अगर याद रख सके तो जेई तक पहुंचे तो कभी एक बार खोल के देख लेना, मतलब जेई एडवांस वगैरह में अगर आ गया कुछ इससे। वैसे इस डी ब्लॉक के और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो 5f1 हो जाती है इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर तो ये एफ ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है, तो ये है आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट। उसके बाद आ जाओ आपका नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्टियम। प्रोटेक्टियम के अंदर अब जाएगा इलेक्ट्रॉन 5f2 6d1 7s2। डी के अंदर अभी भी जा रहा है लेकिन अब 5f2 हो गया है। क्लियर है 5f2 6d। ऐसे ही अब सबके सब आपके जो है 5f यूरेनियम का, यूरेनियम का क्या है 5f3 6d1 7s2। ठीक है नेपाल में भी यही है भाई 5f4 6d1 7s2। जब वो नेपाल पहुंच गया, नेपाल पहुंचने के बाद भाई उसने क्या करा, क्या किया होगा नेपाल पहुंचने के बाद 5f6 6s2। उसने नेपाल पहुंचने, मैंने ये ऐसे याद किया था भाई कि नेपाल पहुंचने के बाद उसने क्या करा, इसको निकाल दिया। किसको निकाल दिया? 7s2 होगा वहां पे। अरे भाई हाँ 7s2। हाँ, नेपाल पहुंचने के बाद कंबल नहीं खरीदे उसने, नेपाल पहुंचने के बाद डी को भगा दिया, डी में इलेक्ट्रॉन देना बंद कर दिया। बात समझ में आई? धर्म चेंज करा दिया। धर्म चेंज करवा दिया। 7s2 5f6 7s2। ठीक है फिर उसके बाद आ जाओ दोबारा क्या है भाई 7s2 पहुंचने 5f7। उसके बाद नेक्स्ट जो है भाई ये तो स्टेबल है तो ये तो रहेगा ही 5f7 वाला। उसके बाद आपके पास जो है सी एम में भी 5f7 रहेगा, 6d1 7s2 जाएगा। क्लियर है बात? क्योंकि 7 जो है कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है आपकी स्टेबल है। बाकी सब में 5f9 7s2 5f10 7s2 5f11 7s2। ठीक है भाई 5f12 7s2 5f13 7s2। बाकी सब में कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस एक लास्ट में ही आएगा 7s2। उसके बाद है आपका 5f14 6d1 7s2। क्लियर? सो सारी की सारी जो दिक्कत है वो सिर्फ आगे वाले एलिमेंट के साथ ही है,
जो कि मैंने तुम्हें बता दिया कि उस खप्पड़ से लेके 6D2 में फिर उसने एफ को देना शुरू किया था प से, ठीक है ना, ऐसा थप्पड़ पड़ेगा जैसे ही कहा पड़ेगा से उसने देना शुरू किया था, पर नेपाल पहुंच गया जब, ठीक है, पू पू पहुंच गया तो उसने डी को देना बंद करा। उसके बाद सारे एफ में ही भरे जा रहे हैं, बस सी एम में आया डी में, क्योंकि वहां पे क्या है हाफ फिल जो है वो ज्यादा स्टेबल रहता है। याद रख सको, अगेन कह रही हूं तो रखना, ना रख सको तो ज्यादा जोर मत डालना दिमाग पे, एक बार रिवाइज कर लेना तो याद हो जाएगी, मतलब एक बार अभी पढ़ लोगे ना। बिल्कुल ऑनलाइन क्लास में मैडम किसको थप्पड़ मार रही है, बिल्कुल सही बात, तभी तो तुम इतना फ्री घूम रहे हो, लेटे लेटे फोन लेके पढ़ते हो, तुम्हें पता है मैम थप्पड़ तो मार नहीं सकती, स्कूल में होती तो फिर सामने होते तो फिर पढ़ते थप्पड़। यू के बाद वाले एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम, यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट जितने भी होते हैं उनका क्या, ट्रांस यूरेनियम। अब आ जाओ जरा नीट और जेई में अब तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन्हें देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर डायमैग्नेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे डू नॉट फॉर्मुलाइज, दे शो नेट परफेक्ट। हां बी, बी इज करेक्ट, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कभी कभी ये क्वेश्चन वैसे भी आ जाता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कौन शो करता है, कोई मुझे तुम बताओगे, अगर मेरे पास सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन, सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट की होती है, मैग्नीज की, गुड, हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, अच्छा ये तो क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन बताओ, द येलो कलर क्रोमेट चेंज टू ऑरेंज एसिडिफिकेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, मैंने बताया था जैसे ही क्रोमेट का आप एसिडिफिकेशन करोगे तो वो क्या बनाता है, डाइक्रोमेट, ये वाली रिएक्शन याद है ना, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, अगर मैं इसमें एसिड डाल दूंगी तो ये डाइक्रोमेट, बेस डाल दूंगी तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमियम O4 में, क्लियर है भाई, तो कौन सा बनेगा, आप एसिड डाल रहे हो तो ऑरेंज कलर का कौन है, ये ऑरेंज कलर का है आपका और ये किसका है, येलो कलर का। भाई मेरा एफ ब्लॉक चैप्टर और डी एंड एफ ब्लॉक खत्म हो चुका है, ठीक है, अब हम बस कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में यहाँ से आते हैं, तो राइट ऑप्शन इज सी, ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डीकलराइज एंड एसिडिफाई, जिसके जो थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा वो मुझे बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, वो कह रहा है मैंने KMnO4 डाला सॉल्यूशन में, तो इनमें से कौन सा है जो, अच्छा एक बात जो मैं मतलब फर्स्ट क्लास में मुझे बता देनी चाहिए थी जब हमने KMnO4 पढ़ा था, अरे भाई मैंने इतने अच्छे से बताई हैं रिएक्शंस को याद नहीं करनी, बस याद रखना है कौन सा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, आपको पता है KMnO4 हमेशा किसमें कन्वर्ट होगा, एसिडिक मीडियम में Mg2+ में, बेस में डालोगे तो MnO2 में कन्वर्ट होता है ना, फिर भूल जाऊंगी मैं क्योंकि एक बात नहीं बताई मैंने, KMnO4 इज अ गुड इंडिकेटर, सेल्फ इंडिकेटर, पता है भाई हमने हमें ये बात कि KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर होता है, इसलिए हम इसका लैब में यूज जो है वो और ये हर जगह जो है ज्यादा अच्छे से यूज करते हैं हम इसे, क्योंकि ये सेल्फ इंडिकेटर, सेल्फ इंडिकेटर की तरह ये कैसे काम कर रहा है भाई, KMnO4 जब वो रहेगा, ठीक है ना, अगर वो कन्वर्ट हो गया भाई एसिड में बेसिक मीडियम में, MnO2 कौन से कलर का होता है, पायरोलुसाइट कौन से कलर का था, MnO2 ब्राउन, हाँ ब्राउन कलर का, ठीक है, तो अब मुझे पता है भाई जैसे ही मेरा अगर इसमें मैं एसिड डाल दूंगी बेस, और ये Mg2+ कौन से कलर का होता है, Mn2+ कौन से कलर का होगा भाई, देखो Mg2+ की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो क्या रहती है आपकी, यहाँ पर ये आपका जीरो रहता कलरलेस रहता है, Mg2+ कैसा रहेगा आपका, कलरलेस, ठीक है, Mg2+ इज कलरलेस, तो बोल रहा है इसमें से कौन सा है जो इसे डीकलराइज जो है वो नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक काजल, Mg2+ आपका कलर रेस रहता है, क्या मेरा ये KMnO4 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करेगा, हमने पढ़ी है ना भाई, कौन कह रहा था रिएक्शन याद नहीं होती, जरा देखो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कराना है तो क्या बनता है मेरा यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ सल्फेट बन जाता है क्या, नहीं क्या बन रहा था मेरा सल्फेट, कोई बताएगा भाई, किया ये रिएक्शन हमने, यस मैम, क्या किसमें कन्वर्ट होता है, कौन बताएगा, मैम सल्फर,
सल्फर तो भाई वो चल सल्फाइड था, तब मेरा किसमें कन्वर्ट हो रहा था, सल्फाइड जब था मेरा KMnO4 की रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई थी, H2S के साथ, तब मेरा जो है यहाँ पे सल्फर था वो बना था और ये कन्वर्ट हो गया था मैग्नीज 2+ में। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें कन्वर्ट हो सकती है भाई, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मेरे पास है किसी की +6 में हो जाएगी ना सल्फाइट, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और KMnO4 जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा अगर एसिडिक है तो मैग्नीज 2+ में, तो भाई ये भी कलरलेस हो जाएगा, आया ना। अब इधर देखो H2 फेरिक क्लोराइड नहीं होगा, H2O2 भी कलरलेस कर देगा भाई, H2O2 की रिएक्शन होती है KMnO4 के साथ किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्शन करिए हमने ये वाली भी O2 में करा था ना, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में चेंज हो जाता है KMnO4, अगर बेसिक मीडियम में हम ये करते हैं तो MnO2 में कन्वर्ट होता है। बोलो भाई याद आया कुछ, तो भाई यहाँ पे भी जैसे ही KMnO4 कन्वर्ट हो जाएगा H2O के साथ रिएक्शन करके इसमें, अगर ये एसिडिक मीडियम है तो मैग्नीज 2+ में तो कलरलेस हो जाएगा। ऐसी FeSO4 के साथ करूंगी तो KMnO4 की रिएक्शन किसके साथ, FeSO4 के साथ, फेरस सल्फेट के साथ। KMnO4 जो है रिएक्शन करेगा मैग्नीज के साथ किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फेरस सल्फेट में, बताओ भाई Fe3+ में, Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये अगर एसिडिक मीडियम है तो कलरलेस मैग्नीज 2। भाई KMnO4 की रिएक्शन मैंने शायद ये बताई भी है, फेरिक की ट्राइक्लोराइड है, क्या ये मेरा KMnO4 FeCl3 को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता भाई, क्योंकि Fe की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही है यहाँ पे, और ये +3 के आगे तो और बढ़ नहीं सकता, तो ये वाली रिएक्शन जो है नहीं होगी, यहाँ पे डीक्लोराइजेशन नहीं होगा। क्लियर है बात भाई, समझ में आया क्वेश्चन, ऑप्शन बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेंथेनॉइड्स, अब हमने लेंथेनॉइड्स का जो इतना बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स से, यूरेनियम इज फ्रॉम लेंथेनॉइड्स, मैम ये एक्टिनॉइड है, एक्टिनॉइड है, और ये बात भी याद रखना, मतलब मैं सच बता रही हूँ ये बात, मतलब इसलिए नहीं बता रही हूँ कि तुम लोगों को याद रहे हमेशा के लिए, मेरे सच में एग्जाम में आया था और मैं इतने अच्छे से करके गई थी ना कि ट्रांस यूरेनियम जो होता है मेरा वो F, मैंने याद रखा F ब्लॉक एलिमेंट होता है, सिर्फ इतना याद रखा F ब्लॉक एलिमेंट होता है, और एग्जाम में क्वेश्चन आया ट्रांस यूरेनियम आर बिलोंग्स टू विच ग्रुप, डी ब्लॉक, लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, और मुझे लगा F ब्लॉक, तो लेंथेनॉइड्स होते हैं, फटाफट से उसमें क्लिक करके वो गोले वाला था, फटाफट से गोला ऑफलाइन था, गोला मारा और हो गया, इसमें ऑप्शन डी है, हाँ बिल्कुल इसमें तो ऑप्शन डी है, पर अगर क्वेश्चन आ जाए ट्रांस यूरेनियम बिलोंग्स टू ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, अगर डी एफ पी इस तरीके से लिखे हैं तो आप लिख दोगे कि भाई एफ ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन एफ ब्लॉक के अंदर भी अगर एक ऑप्शन लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दिया है तो क्या बोलोगे, कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक्टिनॉइड से, ठीक है। तो ये जो मेरा यहाँ पे लेंथेनॉइड है ये कौन सा है आपका, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कैलिफोर्नियम आपका होता है सी एफ अम्मा सी एम, ठीक है, और क्यूरियम जो होता है ये आपका सी एम, ठीक है सी एफ, और ये यूरेनियम तो है, ठीक है भाई, एक के तो याद रख ही लेना एलिमेंट्स के नेम, ठीक है, ताकि तुम्हें पता रहे, बाकी इनके रहने दो बेशक से एक्टिनॉइड्स वाले, क्योंकि अगर एक के भी याद रहेंगे तो तुम पता लगा सकते हो कि ये आपका भाई ये देखा ही नहीं है एलिमेंट कभी, तो ये एलिमेंट जरूर एक्टिनॉइड से होगा। द आयंस आर द फॉलोइंग विच आर कलरलेस, भाई ये क्वेश्चन तो आना चाहिए, हमें पता है कि कलर जो है कंपाउंड का वो दो रीजन से शो होता है, डीडी ट्रांजिशन और अरे वैशाली, वैशाली हमने ट्रांस यूरेनियम और इसकी बात की है कि ये जो ये ऑप्शन थे इनमें से कौन सा एलिमेंट लेंथेनॉइड का है, तो यूरेनियम इज फ्रॉम लेंथेनॉइड, बस इतनी बात करी है, ठीक है, ट्रांस यूरेनियम आर फ्रॉम द एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड सीरीज से बिलोंग करता है, बता रहे हो भाई ऑप्शन नितिन मीनू, ऑप्शन बता रहे हो कौन सा ठीक है भाई, हाँ चार्ज ट्रांसफर की वजह से, अच्छा ये बात याद है कि भूल गए, K2Cr2O7 इज ऑरेंज कलर ड्यू टू, हाँ बिल्कुल चार्ज, पर व्हाट टू व्हाट आप बोलोगे, लिगेंड टू मेटल,
लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ, इसको अगर डीडी ट्रांजिशन किसमें नहीं होती है, डी जीरो रहे और डी टेन रहे तो डीडी ट्रांजिशन नहीं होगी और कलरलेस होगा, कौन सा है इन चारों में से? टाइटेनियम फोर प्लस, टाइटेनियम फोर प्लस इज डी जीरो, यस मैम। कोबाल्ट प्लस थ्री, कोबाल्ट प्लस थ्री इज, काजल क्या बोल रही हो, कोबाल्ट प्लस थ्री इज व्हाट, क्या रहता है इसका? वैशाली आंसर कह रही है बी, मतलब कि फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है। कोबाल्ट थ्री प्लस की ऑक्सीडेशन क्या रहती है, कॉन्फिगरेशन डी सिक्स होता है भाई, ये तो कैसे कलरलेस हो जाएगा? ए इज ऑप्शन, बिल्कुल ठीक भाई, ए ए बी ऑप्शन कैसे हो जाएगा वैशाली? कोबाल्ट मैंने जानबूझ के तुम्हें कंफ्यूज जाने के लिए ही बोला था, कोबाल्ट थ्री प्लस तो डी सिक्स है, ऐसी एफई टू प्लस भी आपका कौन सा है, डी सिक्स है। वो बोल के हमने याद किया था ना, ये कौन से कलर का होता है, ये पिंक था या ब्लू कलर का था ये? इस एलिमेंट को मैंने बोला था कि याद रख लो आपको इसका कलर, वैसे ही बोलो भाई, बता रहा है कोई मुझे कैसे कलर का है करके? ब्लू नहीं, पिंक कलर का, ये पिंक था और ये आपका ब्लू था, कोबाल्ट H2O दैट इज ब्लू कलर, ठीक है, ये किया था हमने। अब जरा वापस, और यहाँ पे आपके इसके ऊपर मतलब चार्ज है थ्री प्लस, ये हमने किया था ब्लू कलर का, रीजन बताया था शायद मैंने आपको ना, कि जितनी ज्यादा दोनों में से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी गैप रहेगा, और जितना ज्यादा एनर्जी गैप रहेगा उतना ही ज्यादा आपकी जो फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी और लैम्डा की वैल्यू उतनी कम होगी, ठीक है। जरा मुझे एक बात बताओ, कॉपर प्लस वही डी टेन होता है, कॉपर प्लस वन इज डी टेन, ठीक है, तो ये आपका जो है कलरलेस रहेगा, क्लियर है भाई? कोई मुझे पूछ रहा है कि अच्छा कॉपर प्लस वन, चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब H2O के अंदर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट किसका होगा, जल्दी बताओ फटाफट से आंसर। हमारे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, हम आज क्या करेंगे फिर, अब क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, जल्दी बताओ जल्दी से, मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, किसी का कोई वैशाली के लिए क्वेश्चन मेरे पास है, जल्दी बताओ फटाफट से, इसमें सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा? मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते थे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एन एन प्लस टू अंडर रूट, ऐसे ही था भाई, तो एन प्लस वन था, एन प्लस टू था मैग्नेटिक मोमेंट, एन प्लस इन सब में सबसे ज्यादा एक्वस सॉल्यूशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, मैग्नीज टू प्लस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई अगर एक्वस में है तो, डी फाइव, पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एफ टू कोबाल्ट टू प्लस में कितने अनपेयर्ड होंगे, कोबाल्ट टू प्लस में, कोबाल्ट टू प्लस इज डी सेवन, कोबाल्ट 2 प्लस इज डी सेवन, डी सेवन के अंदर जो है आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 कितने अनपेयर्ड, 3, क्रोमियम 2 प्लस में कितने होते हैं भाई, 3, एफई 2 प्लस में कितने होंगे, एफई 2 प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने आ रहे हैं भाई, Fe2 प्लस के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, मैम 4 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, ठीक है, मैग्नीज 2 प्लस इज द आंसर। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल विच शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बोल रहा है कि चार ऑप्शन दिए हैं, अब देखो इसने नाम नहीं दिया और बोला है कि इसमें से बताओ सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किसकी होगी, कौन शो करेगा सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, बी मैम, सी मैम, बी
देखो एक बात बताओ, ये 3D6 4S2 आपको याद है कौन सा एलिमेंट होता है, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब किसकी कॉन्फिगरेशन होती है? आयरन की। और हमें पता है कि भाई आयरन या तो 2 लॉस करता है, ठीक है ना, या तो फिर 3D5 स्टेबल बन जाएगा Fe3+, दो ही तो शो करता है ये, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +3। यस, तो इसलिए हमें सिर्फ इसको ही देख के नहीं देखना, हमें देखना भी है भाई ये एलिमेंट शो कर भी सकता है या नहीं। तो राइट ऑप्शन है सी, क्योंकि यही होता है मेरा मैग्नीज का, और मैग्नीज ही मेरी है +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यस यस मैम, ठीक है। उसके बाद ये क्रोमियम है, क्रोमियम में भी हमने पढ़ा हुआ है या तो फिर क्रोमियम +3 जो है उसकी स्टेबल वाली रहती है, या फिर +6 जो होती है तो सारे ही करेगा, या फिर 3+, ठीक है। When MnO2 is fused with KOH, colored compound is formed. The product on its color is. हमने रिएक्शन करी थी सबसे पहले कि MnO4 जब हमने प्रिपेयर किया था कि MnO2 जो है मेरा KOH और O2 के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है K2MnO4, which is color green color. और जब मैं इसका इलेक्ट्रोलिसिस करती हूँ तब मुझे क्या मिलता है, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद मुझे मिलता है यहाँ पे KMnO4। ऐसा ही कुछ किया था भाई हमने, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं, नहीं KMnO4 इज राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर इज K2MnO4। KOH और O2 के साथ रिएक्शन करने पे मुझे क्या मिल रहा है, सबसे पहले K2MnO4 विच इज ग्रीन कलर। जल्दी से बता दो इसका आंसर। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय वेनेडियम क्रोमियम कोबाल्ट स्कैडियम, ये SE नहीं है, ये स्कैडियम है, स्कैडियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, मतलब ओ आंसर बताना है सबके ऑक्सीडेशन स्टेट का, मैक्सिमम कौन कौन सी होती है भाई। वेनेडियम की तो मैंने बताया कि सबसे जो वैशाली ए कह रही हो, देख रही हूँ भाई, देख रही हूँ वेनेडियम +5 क्रोमियम जो है कौन सी कितनी शो करता है, ए कैसे हो जाएगा क्रोमियम +5 शो करता है कोई। वैशाली ने बी आंसर दिया, अच्छा प्लस मैक्सिमम पूछा है उसने, मैक्सिमम तो क्रोमियम +6 करता है। कोबाल्ट, कोबाल्ट कौन सी करता है मैक्सिमम, आपको पता है कोबाल्ट जो है कौन कौन सी करता है भाई, +2 थी +3 थी, कोबाल्ट की दो ही होती है, ठीक है, तो +3 इज मैक्सिमम। स्कैडियम की तो भाई +3 होती है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्लियर है, समझ में आया कैसे करना है आपको, याद रखना है एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने करी थी ना स्टार्टिंग में। द नंबर ऑफ मोल, ये आगे लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट है और इम्पोर्टेंट है, मतलब अब मैं जो अपने 5-10 मिनट हैं इस क्वेश्चन के ऊपर ही लगाऊंगी और आज तो मैं अब छोड़ दूंगी, मुझे लगता है कि शायद ज्यादा टाइम अभी हमें इसी में ही लग जाएगा। क्वेश्चन क्या मैंने करवाया भी और बोला है, इस तरीके को क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन आपका मोल कॉन्सेप्ट के अंदर भी आ जाता है एक तरीके से और यहाँ पे भी आ गया। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए कि बैलेंसिंग कैसे करनी है, और ये बैलेंसिंग का थोड़ा अलग क्वेश्चन है इसलिए भाई यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इसने बोला था KMnO4 की रिएक्शन मैंने करवाई किसके साथ, ऑक्सैलिक एसिड के साथ मैंने करवाई है और रिएक्शन हो गई भाई, तुम्हें अपने आप पता होनी चाहिए कि मैग्नीज 2+ में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सैलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में निकल जाता है, तुम्हें खुद पता होना चाहिए। हम बैलेंस तुम्हें करना हमने देखा भाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किया है ना हमने, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जो हमने इसे बैलेंस किया, इसको MnO4 नेगेटिव कर लो, क्या होता है भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट जो होती है कितना है, प्लस का 7, +7 से किसमें कन्वर्ट हो गया, ये +2 में कितने का चेंज आया, इसमें n फैक्टर जो है वो कितना है 5, ठीक है, ये +2 में चेंज हो गया C2O4। अब मैं ये बात लास्ट टाइम और आदर्श है क्लास के अंदर भाई, मैं बहुत मतलब ग्रुप पे बहुत चर्चा हो रही थी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड जो नंबर ये इससे निकालने के लिए बैलेंसिंग के बारे में भाई, सबसे पहला स्टेप है मुझे ये मेन एलिमेंट जो ये बैलेंस करना, तो मैं इसे पहले 2 बनाऊंगी, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और इसकी यहाँ पे प्लस का 4 है, तो 3 2 6 और 4 2 8 चेंजेस कितने का होगा भाई, एन फैक्टर इज 2, एन फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा 1 नहीं 2 होगा, 3 2 6 4 2 8, क्लियर है। अगला स्टेप क्या था मेरा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये 5 है तो इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, अब ये 2 है, इस 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा, अब भाई इतनी लंबी चौड़ी बात मैं तुम्हें चैट पे कैसे लिख कर बताती, समझ में आ गई बात,
कहाँ गया भाई आदर्श? चलो अबे समझ में आया, 10 CO2। नेक्स्ट स्टेप है मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करने, ऑक्सीजन जरा बताओ। अब मुझे आगे वैसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं, अगर सिर्फ क्वेश्चन में यही होता तो ये 5 से मल्टीप्लाई होती है वाली रिएक्शन, और ये वाली होती मेरी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, दोनों तरफ करना है, 2 से मल्टीप्लाई होती। और अगर मुझसे पूछा जाता कि वन मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव में कितने ऑक्सैलेट रिएक्ट करेंगे, एक मोल ऑक्सैलिक उसमें कितने मोल ऑक्सैलिक एसिड रिएक्ट करेंगे, तो आपको होगा 5/2 एक मोल में। ये 2 मोल में है 5, एक मोल में 5/2। या क्वेश्चन आ जाता कि 1 मोल ऑक्सैलिक में कितने मोल MnO4 रिएक्ट करेंगे, 1 मोल C2O42 नेगेटिव में कितने मोल आपके MnO4 नेगेटिव कितने के ये कितने करेंगे पर मैग्नेट, तो आप बोलते यस कि 2/5। क्लियर हो रही है बट 2/5 कैसे आया, हैंड रेस करो जिसे समझ में नहीं आया 2/5 कैसे। हाँ बोलो आदर्श, ठीक है। अब यहाँ देखो जो मेरी रिएक्शन लिखी है वहां पे MnO4 नेगेटिव और ये लिखा है C2O42 नेगेटिव। आपने देखा कि यहाँ बैलेंसिंग करते हुए इधर कितना आ गया था, यानी कि MnO4 के मैं 2 मोल रखूं तो ऑक्सैलिक के 5 लगेंगे, अगर ऑक्सैलिक का 1 लोगे तो MnO4 के कितने लगेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5 आ जाएगी। क्लियर हो गई बात खुशबू, समझ में आया काजल कैसे करना है, काजल क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, अब मेरे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ये सब नहीं था, क्वेश्चन के अंदर कुछ थोड़ा सा अलग था, नाम जो है इसमें 2 चीजें थी जो आपकी ऑक्सीडाइज हो रही थी, KMnO दैट विल नीडेड टू रिएक्ट। बिल्कुल करवा दूंगी अभी नहीं। अब 2 चीजें कौन सी है, एक ही तो था रिडक्शन पोटेंशियल, शायद मैंने बता ही दिया था। अब जरा ध्यान से सुनो, आपको समझ में आ गया दीपिका क्या रिपीट करना है? अब मेरे पास लीव हो गया था, लीव हो गया था, अभी हम दूसरा उसी में ही कर रहे हैं, अगला बैलेंसिंग कर रहे हैं। मैंने KMnO4 और C2O4 की बैलेंसिंग कराई थी। अब जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है दैट विल नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सैलेट। अब मेरे अगर KMnO4 रिएक्ट करेगा फेरस ऑक्सैलेट, इस तरीके से लिखा जाएगा, बात समझ में, फेरस ऑक्सैलेट इज Fe लग गया उसके आगे और C2O4। अब ये जो कन्वर्जन होगा ये मैग्नीज 2+ में तो कन्वर्ट होगा और CO2 बनेगा, ये Fe2+ में है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है Fe2+, Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें यहाँ ये बैलेंस करना है, अगले पेज पे कर लेती हूँ भाई। अभी मैंने क्या नाम है दीपिका, हमने सिर्फ ऑक्सैलेट को बैलेंस किया था, अब मेरे पास 2 चीजें हैं Fe C2O4 बैलेंस करना है मुझे, ये कन्वर्ट हो गया Fe3+ में CO2 में और ये मैग्नीज 2+ में। ये चेंज जो है इसमें क्या, मैंने 4 को हटा देती हूं, मैंने 4 नेगेटिव, ये चेंज जो है कितना हुआ भाई, कितना एन फैक्टर हुआ, ये रिडक्शन हुआ है यहाँ पे मेरा, +7 से किसमें कन्वर्ट हो गया है, +7 से +2 में, एन फैक्टर इज 5। अब मेरा Fe में जो कन्वर्जन हुआ है भाई ये +2 से +3, एक तो ये वाला हुआ है एन फैक्टर इज 1 और ये कन्वर्ट हुआ है किसमें भाई, C2O4 जो कन्वर्ट होता है तो क्या होता है भाई, 2 का एन फैक्टर होता है भाई, हमें पता है कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे +4 है और पहला स्टेप है मेरा मेन एलिमेंट को बैलेंस करना, C2 है यहाँ पे, Fe को यहाँ पे भी 2 बनाओगे, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, कितने का डिफरेंस आया दोनों में, 2 का डिफरेंस आ गया, तो मेरा जो यहाँ पे वो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, एन फैक्टर इज, ये आपका F जो हुआ है यहाँ डिक्रीज हुआ, ये यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है दोनों। तो अब मेरे पास अगर मुझे बैलेंसिंग करनी होगी, अगर इस तरीके के 2 मिक्स 2 हो जाएं कंपाउंड, तो अब मेरे पास जो इंक्रीज है वो टोटल इंक्रीज कितने का हुआ है, 2 का नहीं हुआ, टोटल इंक्रीज कितने का हुआ है, 3 का, टोटल डिक्रीज कितने का हुआ है, 5 का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और 5 का होगा, यानी कि ये वाली रिएक्शन किससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली तो होगी आपकी 5 से मल्टीप्लाई 5 और ये 5 2 जा 10 हो जाएगा यहाँ पे, और मैग्नीज वाला जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा भाई, 3 से, थ्री से बस।
इस क्वेश्चन में ये चेंज था और ये थोड़ा सा अलग था, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें, दो का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा था, दो से इंक्रीज हो रहा था, तो जब दो से इंक्रीज होगा तो टोटल इंक्रीज जितना बाया आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अब भाई दीपिका जो तुमने छोड़ा था वो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि वन मोल फेरस ऑक्सैलेट में कितने के एम एन ओ फोर लगेंगे, वन मोल फेरस ऑक्सैलेट, वन मोल एफ ई टू सी ओ फोर के लिए कितने जो है वो के एम एन ओ फोर मोल, कितने मोल लगेगा। अब मुझे क्वेश्चन देख के पता चल रहा है भाई कि एम एन ओ फोर नेगेटिव एफ ई सी टू ओ फोर, अगर मेरे ये पांच, ये अगर मेरे थ्री मोल्स हैं तो ये कितना लग रहा है, फाइव मोल, और अगर मेरे पास बोला इसने Fe2O4 का वन मोल लेना है, KMnO4 के कितने लगेंगे, 3/5। रीटा जी क्या देखने आई हो, क्लियर हो गया भाई? यस मैम। ठीक है, तो आंसर इज फर्स्ट, क्लियर है। अब किसी को अगर कोई और डाउट हो तो वो पूछ सकता है। बैलेंसिंग से रिलेटेड याद रखना भाई, आपका जो SO3 2 नेगेटिव होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, KMnO4 की प्रेजेंस में हमने किया है, सल्फेट में। ऐसे ही हमने अभी सल्फाइड किया था S2 नेगेटिव तो सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है, अभी हमने SO2 किया तो सल्फाइट में, ठीक है। ऐसी NO2 नाइट्राइट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट में, ठीक है, याद आया। बाकी सारा जो एसिडिक मीडियम है तो Mg2+ में, बेसिक है तो MnO2 में, हाँ ना? Okay. तो रिएक्शन बस ऐसे ही याद रखनी है कि ये एक एक वर्ड का ही तो है, बस ना याद रखना है, बस उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में उसे पहुंचा दो। प्रेरणा जी क्लास की टाइमिंग क्या थी मैम? हाँ प्रेरणा, क्लास की टाइमिंग क्या थी, यही कहा है प्रेरणा? मैम कोइनेज मेटल्स क्या होते हैं? क्या क्या होते हैं? कोइनेज मेटल्स, कॉइनेज मेटल्स क्या होते हैं भाई, कौन बताएगा? दीपिका कौन पूछ रहा है भाई? आफताब ने पूछा है, आंचल तुम बताओगी? मैम जो कॉइन से बना है, जैसे आपके में क्वेश्चन आया था ये वाला, और आपने तो आपने गोल्ड और प्लैटिनम टिक किया था उसको देख के, गोल्ड गोल्ड प्लैटिनम, प्लैटिनम ही था भाई, कॉपर कॉपर वाली, कॉपर सिल्वर और गोल्ड, कौन आगे आएगा, कॉपर AgAu, ठीक है, ठीक है भाई। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो याद करेंगे, मतलब वो पढ़ेंगे और एक जो रिवाइज करेंगे अपना, और एक क्या बोल रही थी मैं, एक और चीज, एक क्वेश्चन हमने करा हुआ है क्लास के अंदर, क्या तुम मुझे बता सकते हो, कॉपर 2+ जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता, कॉपर प्लस, कॉपर प्लस जो है वो कैसी रिएक्शन शो करता है आपका, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करता है, कन्वर्ट हो जाता है कॉपर 2+ में और कॉपर में, ठीक है ना, एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम में कॉपर 2+ इज मोर स्टेबल, ठीक है भाई। हालांकि ये D9 कॉन्फिगरेशन है, ये D10 है, लेकिन कॉपर 2+ जो है एक्वस मीडियम में ज्यादा स्टेबल रहता है। और हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की थी, ई नॉट वैल्यू की, हमने देखा था कि सारे के सारे सबकी ई नॉट की वैल्यूज जो है वो क्या आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, नेगेटिव होती है, लेकिन सिर्फ एक कॉपर है जिसकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। चलो भाई आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, 10 मिनट पहले छोड़ रही हूँ, कुछ पढ़ लेना या फिर कुछ क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कहते हो? है मेरे पास क्वेश्चन, ठीक है, थोड़े बहुत तो है। जिंक एंड मर्करी डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज दे आर सॉफ्ट मेटल, दे डी शेल आर इनकम्प्लीट या फिर कंप्लीट, कंप्लीट बिकॉज देयर डी शेल्स आर कंप्लीट, ठीक है। लेंथेनॉइड सीरीज में सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस किसकी होती है, एक चीज छूट गई भाई, वैशाली चली गई, वैशाली की मिस हो जाएगी, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड का डिफरेंस लिख लो भाई, कभी एग्जाम जो आपके CBSE वाला एग्जाम है उसके अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में जो डिफरेंस है वो बताओ,
जो लैंथेनॉइड्स होते हैं वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं? प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं. कभी कभी दे एग्जिबिट प्लस फोर, एग्जिबिट प्लस टू एंड प्लस फोर. ठीक है, और एक्टिनॉइड जो होते हैं वो कौन सी दिखाते हैं? प्लस थ्री तो दिखाते हैं, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहती है. पर ये और कौन कौन सी दिखाते हैं? दे शो प्लस फोर, प्लस फाइव, प्लस सिक्स, प्लस सेवन. कोई कुछ पूछ रहा था अभी? मैम प्लस टू के बाद क्या लिखा है? मैम लीव कर ले भाई, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में डिफरेंस अभी याद आ गया, अब लिख लो भाई. आपके ये इसमें पूछ लिया जाता है प्लस टू एंड प्लस फोर एंड प्लस फोर. कौन पूछ रहा है भाई? लैंथेनॉइड किस का सीरीज का मेटल है? किस सीरीज का मेटल होगा भाई वो बताओ जरा मुझे. डी ये पूछ रही हो ना, डी सीरीज का है या फिर एफ का? ऐसे पूछ रही हो? फाइव फाइव डी सीरीज का, डी ब्लॉक का एलिमेंट है और आपका लेंथेनॉइड जो है वो सिक्स डी. सिक्स डी के अंदर आता है ना मेरा लेंथेनॉइड? यस. ठीक है, श्रेया कह रही है कहाँ जा रहे हो भाई अभी, पढ़ लो. Most of the their iron eye are colorless. Lanthanoids जो होते हैं वो सारे के सारे क्या रहते हैं? ये less. अब ये colorless क्यों है भाई? इनके पास तो unpaired electron भी है. ये सब तुम बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे. Lanthanoids are जो होते हैं वो colorless होते हैं और इसके most of their ions are यहाँ पे भी आपकी एफ जो ट्रांजिशन होती है वहां पे एफ एफ ट्रांजिशन होती है ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर भी, लेकिन वो ट्रांजिशन जो है मतलब उसकी जो एनर्जी होती है वो आपकी विजिबल रीजन के अंदर लाए नहीं करती. क्लियर है? ठीक है भाई. यस मैम. बातें बंद कर दो भाई. ये कलर्ड है, मोस्ट ऑफ देम आर कलर्ड एक्टिनॉइड्स. ठीक है, दे डू नॉट शो ऑक्सोकटायन. They do not show oxocation. अब oxocation मतलब कि क्या होता है भी देखना जरा. Actinoid show करता है आपका. They form कुछ कुछ element हैं इसके जो oxocation बनाते हैं. They form oxocation. अब इसमें से कोई भी दो तीन याद रख लेना क्योंकि आपका और जगह तो नहीं CBSE के अंदर जो है पूछ लिया जाएगा, क्योंकि lanthanoid में और कुछ है नहीं करने के लिए lanthanoid और उसमें से. तो अगर एक क्वेश्चन आया तो कुछ भी आ सकता है configuration से related. ये इस तरीके से ऑक्सोकटायन बनाते हैं एक्टिनॉइड्स, पर लैंथेनॉइड ऐसा कुछ नहीं बनाते. ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज क्या? दे आर रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव? नॉट रेडियो एक्टिव. दे आर नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट एक्टिव एक्सेप्ट पीएम का नाम क्या है जरा कोई बताएगा मुझे, क्या नाम था इसका? प्रोमीथियम. प्रोमीथियम के अलावा सारे के सारे नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं. नॉन याद रखना, ये थोड़ा ज्यादा मोटा हो रहा है. नेक्स्ट, दे ऑल आर रेडियो एक्टिव. बस एक फिफ्थ पॉइंट इनमें से कोई भी याद रख लेना. इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इजिली एक्सप्लेन हो जाती है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इजिली एक्सप्लेन और यहाँ पर इजिली एक्सप्लेन नहीं होती है. ठीक है, मतलब मैग्नेटिक. मैमी फोर्थ पॉइंट में ब्रैकेट में क्या लिखा है आपने? प्रोमीथियम इसका नाम लिखा है. इजिली एक्सप्लेन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है कैन नॉट. ठीक है ना, कैन नॉट एक्सप्लेन. बस मैम एक बार पूरी स्क्रीनशॉट ले लेंगे. अरे ये याद तो रहा है तुम्हारे पास, स्क्रीनशॉट लेके करोगे क्या? मैं फिर भी लिख लिया मैम अपना. बिल्कुल, जो साथ साथ लिख लेते हैं वो याद हो जाता है. ठीक है मैम, भाई ये मेरे जो एक्टिनॉइड्स हैं ये कलर शो करते हैं ड्यू टू व्हाट? अभी बताया मैंने, एक वर्ड यूज करना है इसके लिए. क्यों कलर शो करते हैं ये? हाँ भाई सानिया कहाँ थी तुम? मैम हम तो यहीं थे. तो तुम दोबारा ज्वाइन करी थी क्या? सानिया चौधरी तो अभी थोड़ी देर पहले आई है. मैम अभी आई थी, वो मैम क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, वो 5 मिनट पर अब हुई है. क्या मतलब तुम तब से क्लास में थी नहीं, लीव हो गई थी? मैम
नहीं थे मैम, 10, 8, 9 पे हम ज्वाइन हुए हैं। क्यों भाई, क्यों क्यों नहीं ज्वाइन हो पा रहे थे तुम क्लास में? क्या दिक्कत हुई थी? अभी तो आए हो तुम, बस मतलब तुमने सब मिस कर दिया। मैम 8-1 पे हमने मतलब कि सब कुछ सबमिट करा था और उसके बाद हुई नहीं ज्वाइन। 8 बजे तो क्लास फिर थी, क्लास बच्चे आपकी कितने बजे स्टार्ट हो गई थी? 8 बजे सानिया तुम्हें टाइम टेबल नहीं पता, तुमने ढंग से देखा नहीं। 7 बजे से क्लास शुरू, खत्म होने वाली क्लास अब। मैम न्यू टाइम टेबल आया क्या? बिल्कुल, तुमने ग्रुप पे मैसेज नहीं देखा जो जो आपका जो आया है, क्या बोलते हैं, लिंक आया, वो कितने बजे से कितने बजे का है? मैम वाईफाई का रिचार्ज खत्म हो गया था ना कल, इसलिए। चलो भाई कोई बात नहीं, अब अगली क्लास के लिए टाइम टेबल जो है वो याद रखना। हाँ मोनिका बोलो। मैम लीव कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दोनों में से किसके अंदर कॉम्पस, ये सुन लो मोनिका, किन दोनों में सबसे ज्यादा टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स बनाने की किसकी होती है? एक्टिनॉइड्स की। एक्टिनॉइड्स हैव मोर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। एक्टिनॉइड्स हैव मोर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। बस इसी के साथ क्लास खत्म होती है, अब आप लोग जा सकते हैं। एक्टिनॉइड मोर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, बट लेंथेनॉइड्स हैव लिटिल टेंडेंसी। क्लियर है भाई? बहुत सारे बच्चों को टाइम टेबल नहीं पता था, तभी अभी ज्वाइन हो रहे हैं भाई। मैम क्लास चलो क्लास एंड करते हैं, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगली क्लास में स्टार्ट होएगी। आदर्श जो छूट गया एक बार ग्रुप में डाल देना इस चैप्टर से, वरना मेरी तरफ से सब हो गया है। बाय मैम, गुड बाय 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 एवरीवन।